दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का कार पॉडकास्ट की एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो टाटा कंपनी के दीवानों के लिए सबसे खास होने वाली है। जी हाँ, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं टाटा कंपनी की सबसे ज़्यादा माइलेज देने वाली टॉप 5 पेट्रोल और डीजल वाली कार के बारे में। जी हाँ, अगर आप ये टाटा कंपनी की कार खरीदना चाहते हो और जानना चाहते हो कौन सी कार है जो सबसे ज़्यादा माइलेज देती है पेट्रोल और डीजल में, और आपका बजट 5 से 10 लाख के बीच में है, तो आज की वीडियो सिर्फ आपके लिए है। जहाँ पर बात आती है कार में सेफ्टी की, तो वहाँ पर टाटा का नाम सबसे पहले आता है। टाटा की कंपनी जानी जाती है उसकी मजबूत बॉडी और रिलायबिलिटी के लिए। जाने तो जहाने इस बात को सभी लोग भली भांति जानते हैं, इसीलिए लोग टाटा की कार को पसंद करते हैं। तो चलिए दोस्तों फटाफट से वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं टाटा कंपनी की सबसे ज़्यादा माइलेज देने वाली कार के बारे में। 5th नंबर पर जो कार है उसका माइलेज सबसे ज़्यादा है 24 KMPL का, तो जानने के लिए वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों इस लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर आती है टाटा टियागो कार। टाटा टियागो टाटा कंपनी की सबसे सस्ती कार है या एक हैचबैक कार है। इस कार की कीमत शुरू होती है 5,64,000 रुपीज़ से और इसकी टॉप मॉडल की कीमत जाती है 8,90,000 रुपीज़ तक। 1.2 लीटर का इंजन आपको इसमें मिलता है जो कि पेट्रोल में 20 KMPL का माइलेज देता है। मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों टाइप का गियर बॉक्स सिस्टम आपको इसमें मिलता है। सेफ्टी की बात करें तो 4-स्टार रेटिंग ग्लोबल एंड कैब ने इस कार को दी है। इसके बाद दोस्तों 2nd नंबर आती है टाटा कंपनी की पंच कार या एक 5-सीटर माइक्रो एसयूवी कार है। इस कार की कीमत शुरू होती है 6,12,000 रुपीज़ से और इसके टॉप मॉडल की कीमत जाती है 10,20,000 रुपीज़ तक। इस कार में आपको 1.2 लीटर इंजन मिलता है या इंजन आपको 20 KMPL का माइलेज पेट्रोल में देता है। ट्रांसमिशन सिस्टम की बात करें तो आपको इसमें ऑटोमेटिक और मैनुअल दोनों टाइप का गियर बॉक्स ऑप्शन मिल जाता है। बात करें सेफ्टी की तो ग्लोबल एंड कैब ने इसको 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग दी है। इसके बाद दोस्तों 3rd नंबर आती है टाटा टाइगर। टाटा टाइगर एक 5-सीटर सेडान कार है। इसकी कीमत शुरू होती है 6,29,000 रुपीज़ है और इसके टॉप मॉडल की कीमत जाती है 9,54,000 रुपीज़ तक। इस कार में आपको 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन मिलता है। माइलेज की बात करें तो इसमें आपको 19.6 KMPL का माइलेज मिल जाता है। ट्रांसमिशन सिस्टम में आपको मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों टाइप का गियर बॉक्स ऑप्शन इस कार में मिल जाता है। बात करें इस कार की सेफ्टी रेटिंग की तो ग्लोबल एंड कैब ने इसको 4-स्टार सेफ्टी रेटिंग दी है। इसके बाद दोस्तों अगले 4th नंबर आते हैं टाटा एल्ट्रोज। टाटा एल्ट्रोज एक 5-सीटर हैचबैक कार है। इस कार की कीमत शुरू होती है 6,64,000 रुपीज़ से और इसके टॉप मॉडल की कीमत जाती है 10,80,000 रुपीज़ तक। इस कार में आपको पेट्रोल और डीजल दोनों फ्यूल ऑप्शन मिलता है। डीजल की बात करें तो आपको 23 KMPL का माइलेज मिलता है, वहीं पेट्रोल में आपको 19 KMPL का माइलेज मिल जाएगा। इस कार में भी आपको मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों टाइप ट्रांसमिशन सिस्टम का ऑप्शन मिल जाता है। बात करें इस कार की सेफ्टी रेटिंग की तो ग्लोबल एंड कैब ने इसको 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग दी है। इसके बाद दोस्तों इस लिस्ट में लास्ट और 5th नंबर आती है टाटा कंपनी की नेक्सॉन कार। नेक्सॉन एक 5-सीटर एसयूवी कार है। यह कार आपको पेट्रोल और डीजल दोनों फ्यूल ऑप्शन में मिलती है। नेक्सॉन की कीमत शुरू होती है 8,14,000 रुपीज़ से और इसके टॉप मॉडल की कीमत जाती है 15,80,000 रुपीज़ तक। इस कार के पेट्रोल वेरिएंट में आपको 17 KMPL का माइलेज मिलता है। वहीं बात करें डीजल की तो इसमें आपको 24 KMPL का माइलेज मिलता है। यह टाटा की सबसे हाईएस्ट माइलेज देने वाली कार है पेट्रोल और डीजल सेगमेंट में और सबसे ज़्यादा पॉपुलर भी है। इस कार में आपको दो अलग इंजन ऑप्शन मिलते हैं, इसमें 1.5 लीटर डीजल में और 1.2 लीटर पेट्रोल में। ट्रांसमिशन सिस्टम में आपको दोनों मैनुअल और ऑटोमेटिक गियर बॉक्स का ऑप्शन इस कार में मिल जाता है। सेफ्टी रेटिंग की बात करें तो इस कार को ग्लोबल एंड कैब ने 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग दी है। दोस्तों इन सभी कार में आपको पेट्रोल डीजल के अलावा CNG का भी ऑप्शन मिल जाता है, तो अगर आप CNG के साथ जाना चाहते हो तो CNG का ऑप्शन भी चुन सकते हो। तो दोस्तों ये थी टाटा कंपनी की सबसे ज़्यादा माइलेज देने वाली टॉप 5 कार। आपकी इनमें से कौन सी कार फेवरेट है नीचे कमेंट बॉक्स में उसका नाम जरूर टाइप करें। और अगर आपका कोई सवाल है, आप किसी कार के बारे में जानना चाहते हो, तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें, हम आपके सवालों का जवाब देने की जरूर कोशिश करेंगे। तो दोस्तों हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।